So, a very good morning to all my dear students. Starting with today's session. Yesterday's session we had done steps in the process of strategic choice, right? वो प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं, लाइक यू ऑल, लाइक इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, राइट? आप लोगों ने मुझे हैड गिवन अ सिचुएशन बिफोर यू, यू नो वेयर अगर हमें यू नो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल की मशीन्स को अपग्रेड करना है और इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स, राइट? ऐसा एक सिनेरियो दिया था मैंने. तो सेम वे यू नो सी स्टूडेंट्स, कई बार जरूरी नहीं है कि ये सॉल्यूशन वर्क करेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड का ही दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ. अगेन पहले एक सिंपल लाइफ एग्जाम्पल ही दे रही हूँ. लाइक वॉट हैपन्ड इज यू नो ड्यू टू सम रीजन उसका फोन का स्क्रीन टूट गया था. ओके, एनी रीजन, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ, बुरी तरह से टूटा था. सो वॉट हैपन्ड इज वेन शी वेंट टू द पर्सन वो रिपेयर करने के लिए फोन, वॉट दैट पर्सन टोल्ड इज यू नो कि मैम ये रिपेयरिंग का आपको 4,000 लगेगा एंड फिर भी वी आर नॉट श्योर कि फोन एकदम अच्छे से चलेगा कि नहीं. इट वॉज लाइक यू नो पूरा स्क्रीन एकदम बुरी तरीके से खराब था. फॉर दोज ऑफ यू आर कमिंग नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन. ओके, सो आप लोग मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू ऐसे सिचुएशन होते तो 4,000 उसमें डालना अच्छा है या नया फोन लेना बेटर है? अकॉर्डिंग टू यू ऑल विच वन इज बेटर, सोच के बताओ ऐसे सिचुएशन में. सी उसके पास दो अल्टरनेटिव थे, अच्छा तीन थे. चलो ऐसे केस में अगर मैं आपके सामने रखूँ, फर्स्ट वन वॉज अपग्रेड करो. ओके, मीन्स वॉट, बेसिकली अपग्रेड करो मीन्स उसको 4,000 दे दो, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन वॉज टू बाय अ न्यू फोन एंड द थर्ड ऑप्शन इज फोन लो ही मत. नाउ लॉजिकली अगर आप सोचो, एंड मैंने आपको कहा जैसे कि स्क्रीन ठीक कराने का कॉस्ट इज 4,000 रुपीज, सो विच वन अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर, बताओ. आप सोच के बताओ चैट बॉक्स में. एब्सोल्यूटली स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग. येस, द करेक्ट आंसर इज नया फोन ही लेना है. सी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, 4,000 येस दे के भी अगर वो वॉट ही टोल्ड इज मैम श्योर नहीं है ठीक होगा कि नहीं, राइट? तो आई मीन वो पैसा इट्स लाइक अ गैम्बल, राइट? उससे अच्छा अगर आप देखो, आई एम श्योर सेल एंड ऑल के टाइम 7,000 में भी अच्छा फोन मिल जाएगा, राइट? वही मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाहती थी ओवर हियर. यू नो कई बार ऐसा नहीं है कि मैम आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई मीन वही मैं आपको बोल रही थी, ऑल्टरनेटिव्स भी हमें बनाने पड़ते हैं एंड सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है? गुड, ग्रेट. सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं. इसके अलावा आई विल नाउ गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक पॉइंट्स ओनली. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग. अभी जब तक स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग इन, सो आई विल डू वन थिंग. मैं आपको पहले इस पे एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, ठीक है? आई मीन दिस इज अ न्यू कंसेप्ट दैट आई एम स्टार्टिंग टूडे. यू नो एंड में वीडियो दिखाने से कभी कभी स्टार्टिंग में भी दिखाना चाहिए, राइट? जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? सो आई विल जस्ट शो इट टू यू. लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. ओके, I'll share my screen now. Fine. आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस का एंड ऑल मीनिंग पता ही है, कल ही हुआ था. सिलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स. ओके, सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, यस. लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू ना आगे आप पढ़ने वाले हो गैप एनालिसिस एंड ऑल. ओके, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज ये वीडियो थोड़ा बड़ा है. सी
सी स्टूडेंट्स, वही लिखा है, यू नो, फ्यूचर में वेयर वी वांट टू गो. ओके, सी मतलब फिल्टर करके सिलेक्टिंग द बेस्ट वन. यू ऑल नो, ये दिस वाज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. आज हम यही पढ़ने वाले हैं, इनफैक्ट स्पॉट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, इसमें मैं आपको कल जो मशीन का एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू इलेबोरेट इट अ बिट मोर. ओके, बेस्ट स्ट्रेटेजी हमें सिलेक्ट करनी है. सी स्टूडेंट्स, दिस यू विल गेट टू लर्न. अभी तुम मत याद रखो, ये सब जो लिखा है, रिक्रूटिंग एफर्ट्स, मेक और बाय बजट, अनटैप्ड लेबर, डोंट रिमेम्बर इट नाउ. ओके, लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज ये वीडियो थोड़ा बड़ा है. एंड आई थिंक सेम, या सी, दिस इज वॉट आई वॉज कमिंग टू. आप लोग सब ये पॉइंट याद रखो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस इन द सेशन. इसके बाद आई विल कम टू योर मीटिंग, उसमें आपको याद रखने हैं ये सब. जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है, आई विल आस्क यू. वो पीपीटी में कम पॉइंट्स थे, ओके, इसमें ज्यादा है. सो आई विल डेफिनेटली आस्क यू स्टूडेंट्स कि आप कितना याद रख रहे हो. जस्ट टेस्टिंग योर मेमोरी पावर. ओके, ये मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेट मी जस्ट एक मिनट इसको अच्छे से देख लो. आई विल आस्क यू. अभी अगर कुछ नहीं समझ में भी आ रहा है ना, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अभी प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस वो तो ऑलरेडी वी हैव डन इट यस्टरडे. जस्ट सी क्या है. फर्स्ट पॉइंट उसमें एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, राइट, मोस्टली वो पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, दूसरी जगहों पे नहीं है. या अदरवाइज ये फोर पॉइंट्स दे वर द सेम, राइट. लेट मी फास्ट फॉरवर्ड काफी. हाँ, सी स्टूडेंट्स, गैप एनालिसिस, अभी आप ये वर्ड सिर्फ जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके, अभी आपको नहीं समझ में आएगा. एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई मीन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म ब्रीफली. मैंने देखा है काफ़ी बार स्टूडेंट्स दे गेट स्केर्ड, मैम गैप एनालिसिस डिफिकल्ट आंसर है. कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस, आपने आप यू नो फॉर टेंथ में सब टारगेट रखते हैं ना कि मुझे 90% चाहिए, ये वो. डिजायर्ड परफॉर्मेंस मतलब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम्हें आया 70, तो 90-70 मतलब वो 20% का जो गैप है ना, वो हमें ओवरकम करना है. कंपनीज में भी ऐसे ही होता है गैप एनालिसिस, ठीक है, वो हम आगे के सेशंस में वी विल स्टडी अबाउट इट, डोंट वरी. ओके, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, दिस थर्ड यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको इसमें ये सब थियोरीज भी आने वाली है, BCG, तो रिमेन प्रेजेंट फॉर ऑल द लेक्चर्स हेंसफोर्थ. ओके, या सी, ये सब आपको याद आया, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, इफ यू रिमेम्बर वी ऑल हैव डन दिस. मतलब सी हाउ दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ. ओके, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स. आज भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बोलने वाली हूँ थोड़ा बहुत. ओके, सो अभी मैं आप लोगों की टेक्स्ट बुक देख रही हूँ, बाय द टाइम यू ऑल ऑब्जर्व दिस वीडियो. Evaluate, you know, हम कैसे देखते हैं. ओके, इसमें यू नो आज का लेक्चर भी अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स. ओके, मुझे आप लोगों का सपोर्ट ही लगेगा. फाइन,
So I'll do one thing. Let me stop this now. I'll come to your Zoom meeting. I hope most of the people must have joined by now. Great. So let me start sharing my PPT, jo pehle tha. Yeah. See students, I'll go exactly aapki textbook mein jo likha hai wo. Okay? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स आपको याद था, मैंने आपको वीडियो में भी बोला था. ठीक है, फाइन, ओके. ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? किसी को पता है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स क्या डिफरेंस है? अच्छा, ओके. टेल मी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग ये आंसर वैसे ही याद रखोगे. ओके. आपका एक सर्टन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. टेल मी वन थिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस एंड दूसरा एक आपको सब्जेक्ट है, आई डोंट नो विच सब्जेक्ट्स यू हैव एनीवे, तो वो भी जो सब्जेक्ट है क्या उसका पोर्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? दूसरा आपको जो भी सब्जेक्ट है क्या उसका ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, राइट? सिलेबस वुड बी डिफरेंट. मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहती थी स्टूडेंट्स. व्हाट बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू हियर इज, यू नो, कि सब्जेक्टिव मींस व्हाट. सो फॉर एग्जांपल, कल अगर यागेश है, ठीक है, इफ आई टेल कि यागेश के हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स रोहित से अलग होंगे, येस और नो? वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. तो सब्जेक्टिव का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली. ओके, सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट मतलब ये स्कूल के सब्जेक्ट्स, कॉलेज के सब्जेक्ट्स नहीं, यू नो. यस, सब्जेक्टिव का मीनिंग यही हो जाता है कि सबके लिए डिफरेंट होता है बेसिकली. ओके, सी, अगर यू नो, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ स्टूडेंट्स. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. ओके, अगर एक सर्वे हम कंडक्ट करते हैं, चलो, ठीक है, उसमें हमें बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, टेल अस डू यू लाइक फास्ट फूड और नॉट. फास्ट फूड मतलब यही बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, ठीक है. अभी आप देखो, देर विल बी फ्यू पीपल हु वुड से हाँ हमें पसंद है, पसंद है. कुछ लोग ऐसा होंगे क्या बोलेंगे, नहीं पसंद है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है. मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, इट इज़ अ सब्जेक्टिव चॉइस, येस और नो. इन जनरल तुम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, राइट? सब्जेक्ट मतलब हर किसी की अपनी चॉइस होती है. ओके, तो ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग था स्टूडेंट्स, इन जनरल हम जो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ. इंडिया में इफ यू पीपल सी, यू नो, अगर एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ओके, दे आर से थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप स्पाइसी फूड. आप लोग मुझे बताओ, इंडिया में, मैंने आपको शायद बताया था, इन जनरल पीपल लाइक स्पाइसी फूड, पनीर के प्रोडक्ट्स, येस और नो? सो टेल मी, हमने रिसर्च किया, ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, हमने एक्चुअली रिसर्च किया, फीडबैक लिया, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, येस आएगा कि नो? सम प्रोडक्ट्स विथ यू नो मे बी पनीर एंड स्पाइसिस, येस, थैंक्स फॉर आंसरिंग. तो ऑब्जेक्टिव मतलब हमने जो भी रिसर्च एंड ऑल किया, इट इज गोइंग टू कम अ बिग येस. ओके, सी स्टूडेंट्स, और एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ सब्जेक्टिव का. ओके, नाउ मैंने आपको ये शायद पहले बोला होगा, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है. अभी आप लोग मुझे बताओ, इंडिया में अगर काउ मीट, इफ आई वॉन्ट टू सेल बीफ जो हम बोलते हैं, टेल मी वन थिंग, क्या उसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करने की भी ज़रूरत है? मैं अगर ऐसे पूछ रही हूँ किसी को कि आप काउ मीट सपोर्ट करोगे, कि आप इसके प्रोडक्ट खाओगे, मैं उसका बर्गर बना रही हूँ, एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए. सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, हम इसमें कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, राइट? कॉमन सेंस की बात हो रही है, हमें किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट?
कई बार यू नो स्टूडेंट्स आई टेल यू कितने भी रिसर्च करो फिर भी ऐसी जो चीजें हैं इट वर्क्स ऑन कॉमन सेंस राइट. सम चीजें सम थिंग्स इन लाइफ आर ऑटोमेटिकली इम्प्लाई. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है पढ़ाई अच्छे से कर रहा है तो आई मीन डेफिनेटली उसे मार्क्स अच्छे मिलेंगे. येस और नो उसमें कोई नई बात नहीं है. ओके सो सी क्विकली वी आर स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्टिव फैक्टर फर्स्ट. ओके सो उसमें द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आप लोगों को याद है व्हेन आई टॉट यू एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या पॉइंट्स आते थे. एनीवन रिमेंबर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देर आर टू टाइप्स. इसके बाद वी आर गोइंग टू कवर अप इंटरनल. एक्सटर्नल में आपको याद है यू ऑल हैव ऑलरेडी डन इट स्टूडेंट्स. गुड ज्योति गवर्नमेंट यस. और कौन. चलो आप लोग मुझे बताओ हमें सबसे बड़ा खतरा किससे है बिजनेस में. स्टार्ट्स विद द वर्ड सी. गुड कॉम्पिटिशन यस. कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट याद रखो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कॉम्पिटिटर्स. ओके बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है उसके अलावा आप लोगों ने कहा चलो बता दो मुझे और कौन से है. रिमेंबर इट थ्रू पेस्टल. ओके पॉलिटिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल उसमें वो सब भी आ जाता है यू नो सप्लायर्स डीलर्स ये सब जो होते मेनी पीपल इन बिटवीन राइट. यस सो अभी ये जो पॉइंट है ये मैं आप लोगों से नहीं कर रही हूँ. ठीक है बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी नो दिस. ठीक है यू हैव टू जस्ट. ये आंसर में वही था कि आप लोगों का कितना अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट. ओके कमिंग टू इंटरनल एनवायरमेंट आप इसमें बता सकते हो कौन से पॉइंट्स है. सी आप लोगों को ये पॉइंट्स पता है ना स्टूडेंट्स कि ये सब हेड पॉइंट्स है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके गुड ज्योति गुड कि लेट मी रीड आउट ज्योति's आंसर क्या लिखा है. गुड एम्प्लॉइज आर द बिगेस्ट इंटरनल एनवायरमेंट एब्सोल्यूटली. वर्षा इकोनॉमिक वॉन्ट कम आई हैव टोल्ड यू वो पेस्टल इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल. सी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्यों एक्सटर्नल में आ जाता है बिकॉज हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. ओके इंटरनल मतलब जिसपे हमारा अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल है. ओके तो आप वो सोचो एम्प्लॉइज पे डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल देम अप टू सम एक्सटेंट राइट. उसी की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर. यस कम ऑन स्टूडेंट्स यू ऑल ऑलरेडी नो दिस बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ चुके हो. और कौन से फैक्टर्स हैं. मैंने आप लोगों को शायद इस पे एक असाइनमेंट भी दिया था आई थिंक इन द फर्स्ट यूनिट. ट्राई टू थिंक अबाउट इट. देयर वर टू वर्ड्स विद एम वी. याद करो जस्ट टाइप दैट इन द चैट बॉक्स. टू वर्ड्स विद एम वी. एब्सोल्युटली मिशन विजन यस. याद नहीं आया आप लोगों को. गुड नेहा वैल्यू सिस्टम वही सब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. ठीक है तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस. नो वर्षा आई थिंक आपने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं. ये सोशल एंड ऑल एवरीथिंग कम्स अंडर एक्सटर्नल. इंटरनल की हम बात करें तो दैट अप्लाइज टू विद इन द कंपनी. ओके तो उसमें जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा दिस इज द राइट आंसर यू नो. वन मिनट या हाँ वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. इंटरनल मतलब कंपनी का मिशन विजन जो है राइट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सब उनके हाथों में होता है. सी एम्प्लॉयज भी आफ्टर ऑल हमारे लिए ही काम कर रहे हैं राइट. सो हाउ टू ट्रेन देम कैसे उनसे काम करवाना है वो हमारे पे ही डिपेंड है राइट. गुड ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सब्जेक्टिव फैक्टर्स. अच्छा इसमें आप लोगों को एक पीपीटी का वो पॉइंट याद आया वीडियो का है शोन टू यू. इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट यस और नो. मतलब क्या टॉप मैनेजमेंट की जो थिंकिंग है उस हिसाब से कंपनी चलती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर. आई ऑलवेज लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ मिस्टर रतन टाटा. ठीक है ही इज द पर्सन हु फर्मली बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. कम्युनिटी को वापस कैसे देना है. ओके
आप देखो वहां का TCS, आप कोई भी टाटा की कंपनी में जाओ, वहां का कल्चर ही ऐसा है बेसिकली, ठीक है? इट्स अ वेरी फ्रेंडली कल्चर एंड ऑल, एंड वेर एज इफ यू सी सम कंपनीज, नेम नहीं कर रही हूँ, बट वहाँ पे एकदम कॉम्पिटिटिव कल्चर होगा. मतलब सी, आपके जो फाउंडर मेंबर्स, ये ओनर्स है टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट दे फील टुवर्ड्स अ सर्टन सिचुएशन, उसकी भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो सी वैल्यू सिस्टम मतलब वही बेसिकली स्टूडेंट्स, यू नो कि इन इनफैक्ट यू नो इन्फोसिस अ वेरी गुड एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू स्टूडेंट. उसकी ओनर आई ऑलवेज लाइक टू गिव हर एग्जांपल, सुधा मूर्ति. शी कैन अफोर्ड अ प्राइवेट प्लेन टूडे, फिर भी वो सिंपल एक साड़ी में घूमती है, राइट? मतलब व्हाट आई मीन टू से यर इज, ऐसी कंपनी की वैल्यू सिस्टम आपको पता चल रहा है कितनी अच्छी होगी. यू विल आस्क मी नाउ, मैम ऐसा क्यों? बिकॉज शी बिलीव्स इन स्टेइंग डाउन टू अर्थ. ओके, डाउन टू अर्थ मीन्स व्हाट? बेसिकली यू नो समवन हु डजंट लाइक टू शो ऑफ. ओके, यस. नाउ वी आर मूविंग टू सब्जेक्टिव फैक्टर्स. सी स्टूडेंट, सब्जेक्टिव में आप लोगों को एक पॉइंट, सी ये हमारे फर्स्ट तीन थे ना, दे वेर ऑब्जेक्टिव. ओके, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कहा जो ऑलरेडी है. अभी सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है? ओके, पर्सनल फैक्टर्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ जाता है, यू नो ठीक है, ओके लेट्स टेक इट. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पर्सनल फैक्टर्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस. धीरू भाई अंबानी जो थे, क्या आई मीन जस्ट टेल इट टू मी दैट वे, मुकेश अंबानी द वे ही लुक्ड एट थिंग्स, ओके, एंड धीरू भाई अंबानी द वे ही यूज टू हैंडल बिजनेस, क्या वो सेम होता है स्टूडेंट्स? एंड द वे हिज चिल्ड्रन जो भी है, आकाश, ईशा, अंबानी, आई डोंट नो, क्या वो लोग भी वैसे ही बिजनेस हैंडल करेंगे? नो. सी स्टूडेंट्स, यू नो व्हेन धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड द बिजनेस, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, कुछ नहीं था, ओके, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो उसके सन्स दे ऑलरेडी हैड द मनी. ओके, मतलब आप देखो जियो एंड ऑल में इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, डेफिनेटली यू नीड सम कैपिटल एंड ऑल. अभी भी आप देखो इतनी फ्री स्कीम्स एंड ऑल मिल रहे हैं, ओके, तो उसके लिए यस मनी इज रिक्वायर्ड. कल उसके जो लड़के हैं, मतलब सी एवरी वन गोज थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, राइट? वही मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली, यू नो. तो आई मीन एवरी थिंग हैज़ टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली. तो सेम वे यू कैन नॉट से कि मेरे फादर ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की मैं वही करने वाला हूँ. ओके, मतलब ये फैक्टर्स है, टोटली इट इज सब्जेक्टिव. एक एग्जाम्पल दू, अगर फॉर एग्जाम्पल सुधा मूर्ति की मैं बात कर रही थी, शी इज अ सिंपल लेडी, क्या जरूरी है कि क्या उसकी जो डॉटर है वो भी ऐसे सिंपल रहेगी? नो, हर आउटलुक माइट बी, फॉर एग्जाम्पल यू नो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ शी इज लाइक दैट, बट इट कुड बी लाइक दैट, राइट? कि मैं क्यों सोसाइटी के लिए इतना पैसा दूँ, फर्स्ट आई हैव टू थिंक अबाउट प्रॉफिट, देन आई माइट थिंक. मतलब मैं वही बोल रही हूँ, सब्जेक्टिव मतलब वही, यू ये चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट से इट इज द सेम, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, हम कई बार बोलते हैं ना कि पास्ट हमें काफ़ी कुछ सिखा जाता है, ओके? सो व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट स्ट्रैटेजी. मतलब क्या, हमने फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि पास्ट में अगर मैंने गलती की है, ओके, व्हाट आई विल सी, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स, बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वो लोग कुछ भी करते रहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर गैस चल रहा है, दे विल पुट देयर फिंगर इन इट, समथिंग लाइक दैट. तो उसको पहले से, आप देखो स्टूडेंट्स, बच्चे का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो लोग को सब याद रहता है, येस और नो, ओके? तो इफ यू सी, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी हाथ नहीं डालेगा उसमें, वाई? बिकॉज उसको पेन फील हुआ है, राइट? तो इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट स्ट्रैटेजी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट मशीन ओनली. अगर कंपनी को पता चला, यू नो सी, उन्होंने, मैंने आपको कल ही किया था वो ऑल्टरनेटिव्स का, तो ये टाइम कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है, दैट यू नो दे वॉन्ट टू
मशीन्स की बात हो रही थी, तो लेट्स से कि तुमने अपग्रेड किए थे मशीन्स, हमने जो कल एग्जांपल दिया था, राइट? तो चलो अपग्रेड एंड ऑल किया है, बट व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली नाउ इज यू नो, उन्हें फिर ऐसा लगा कि अपग्रेड करके भी हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ. ओके तो आई मीन ऐसे केस में दे कुड हैव फेल्ट कि चलो यू नो, अगर हम नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते दैट वुड हैव बीन बेटर. ओके तो आई मीन व्हाट दे विल डू इज यू नो, पास्ट की स्ट्रेटेजी से भी वो लोग एक सबक ले सकते थे. यू नो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में मोस्टली आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो, टेक्नोलॉजी की अगर स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, काफी रैपिड स्पीड में चेंज हो रही है. ओके वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. तो ऑलवेज यू नो, कई बार अपग्रेड करना भी इनफ नहीं हो जाता है. आई मीन यू नो, अपग्रेड करके भी व्हाट हैपेंस इज यू नो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मेरी फ्रेंड का एग्जांपल बताऊं, चलो उसने वो 4,000 दे के फोन अपग्रेड भी कराया, राइट? बट देन व्हाट इज हैपनिंग इज, उसने स्ट्रिक्टली कहा था कि वो कितना टाइम चलेगा उसकी गारंटी नहीं है. देन व्हाट माइट हैपन इज यू नो, वो चलो 6 महीना चला, उसके बाद भी गड़ गया. अभी ही वॉन्ट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, राइट? आई मीन कई बार उससे अच्छा यही हो जाता है बेसिकली यू नो, कि हमें टूट अच्छा नया हुआ फोन, नया फोन खरीदे, राइट? आई मीन आप खुद सोचो, इसमें एक तो 4,000 इसका, दो 7,000 नए फोन का. आई मीन अल्टीमेटली वी आर एंडिंग अप बींग स्टूपिड, राइट? हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है. तो उसमें वही मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ. तो पास्ट में जो इवेंट्स हुए उसके बेसिस पे भी वी कैन डिसाइड यू नो, हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ स्टूडेंट्स. इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी. ओके नाउ सी, अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, एनीवन रिमेंबर्स दिस, वो YouTube वीडियो में एक पॉइंट था एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, याद आया किसी को? एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? सी आई हैव टोल्ड यू, बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके सी व्हाट आई मीन टू से हियर इज यू नो, आप खुद देखो, अगर रिलायंस की बात हो रही थी तो अभी उसके जो जनरेशन है दे माइट नॉट माइंड टेकिंग रिस्क, ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है. बट अगर मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूँ, नो डाउट ही वॉज अ बिग रिस्क टेकर हिमसेल्फ, बट मैं क्या बोल रही हूँ, वो अपने एक एक रुपया सोच सोच के लगाएगा बिजनेस में, राइट? तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क. कुछ टॉप मैनेजमेंट ऐसे होते हैं यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं याद दिलाऊँ तो समवन हु फॉलोज अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. ओके वो लोग का क्या होता है, हम जहाँ पे हैं वहीं पे बहुत अच्छे हैं, व्हाई इज देयर ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है. ओके वही मैं आपको बोल रही थी, सेम थिंग हैपन्स. तो आई मीन वो लोग का क्या एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स रिस्क, क्या आर दे रेडी टू टेक रिस्क. यू नो स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी कई बार यू नो ऐसी चीज़ों पे ही काफ़ी बहस हो जाती है यू नो, फिर मीटिंग्स में भी काफ़ी झगड़े भी होते हैं. व्हाट दे टेल यू योर इज डेफिनेटली शेयर होल्डर्स का भी पैसा लगा हुआ है, राइट? सो आई मीन दे विल टेल हम ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल, आई मीन लॉट ऑफ डिस्कशंस गो ऑन. वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? ओके सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, वैल्यू सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग, डोंट गेट कन्फ्यूज. ये आंसर जो है सी स्टूडेंट्स, यू नो आई विल टेल यू, बिजनेस एनवायरनमेंट में आप लोगों ने पढ़ा था वैल्यू सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट? बट जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग, आप ये जो पॉइंट है इट विल कम इन सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव. मैं आपको रीजन बता रही हूँ क्यों. सी स्टूडेंट्स, वैल्यू सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली. ओके बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको ये आंसर की बात हो रही है स्ट्रेटेजिक चॉइस की, इसमें आई एम टेलिंग यू ये पॉइंट वैल्यू सिस्टम ऑफ टॉप मैनेजमेंट ये क्यों आ जाता है, आई विल टेल यू सब्जेक्टिव में, ठीक है? ओके आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सुधा मूर्ति का एग्जांपल दिया, ठीक है? वैल्यू सिस्टम ऑफ टॉप मैनेजमेंट, एज फार एज आई नो इवन शी इज ऑलमोस्ट 60-70 इयर्स ना,
सो आई एम अज्यूमिंग उसकी डॉटर इन फैक्ट 40s, ही इज मोर, तो अभी डेफिनेटली वही बिजनेस संभालने वाली है. तो मैं आपको वही बोलना चाहती थी, उसने जो हिसाब से बिजनेस संभाला एंड अभी उसकी जो वैल्यू सिस्टम होगी कंपनी की, डोंट यू थिंक इट विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? यस और नो? एब्सोल्युटली. सी, जो बिजनेस संभालता है ना स्टूडेंट्स, यू हैव सीन ग्रेट एग्जाम्पल्स. अगर मैं आप लोगों को दूँ, राइट, सी, कई बार हिस्ट्री में भी जो किंग्स एंड ऑल होते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, दे वेर ग्रेट लीडर्स, बट उनके फिर उनके जो फ्यूचर जनरेशन आते गए, वो इतने केपेबल नहीं थे. येस और नो? ओके, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी. तो वैल्यू सिस्टम जो होता है, आइडियली नाउ यू विल आस्क मी कि मैम क्यों हम सब्जेक्टिव में डाल रहे हैं. दो रीजंस हो सकते हैं, या तो यू नो जो ओनर्स है वो चेंज हो रहे हैं, वन मोर रीजन कुड बी यू नो, अगर आपको याद है, चेंज स्ट्रेटेजी मींस व्हाट, टाइम के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ा. यू नो आई गिव यू अ वेरी गुड कोट ओवर योर स्टूडेंट्स, मुझे वो याद आ रहा है. एवरीवन इन द क्लास नोज हु वॉरेन बफे इज. वॉरेन बफे नाम कभी सुना है? उसका प्रोफेशन एंड ऑल क्या है, जस्ट लेट मी नो दैट इन द चैट बॉक्स अगर किसी को पता है. रोहित इज टेलिंग ही नोज. ओके, सो बताओ हु इज ही. और रादर आपने सिर्फ प्रोफेशन बताया ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. मी कम टू योर चैट बॉक्स. एनी वन नोज वॉरेन बफे? एक मिनट, लेट मी टाइप हिज नेम इन द चैट बॉक्स. किसी को एनी आइडिया? यस बोल रहे हो तो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज ही नोन फॉर, क्या उनका प्रोफेशन है? ओके, लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स. नॉट अमेज़न रोहित, अमेज़न का जेफ बीजोस है. राइट ज्योति, ही इज एन इन्वेस्टर. एब्सोल्युटली. यागेश का भी आंसर सही है, डिस्कवर्ड हैथवे. ये सच है. सी स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो वॉरेन बफे, हम जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे राकेश झुनझुन वाला है, ओके, सेम वे वॉरेन बफे, मतलब ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज यूएस का है. ही स्टार्टेड हिज करियर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. आई रिमेंबर वो अपने स्कूल टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स में. ओके, सो आई मीन ही हैड ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे. वॉट आई मीन टू टेल यू योर इज, मैं क्यों उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, उसको वॉट ही हैड टोल्ड वंस इज यू नो ही इज अ वेरी सिंपल मैन. ओके, वॉट ही सेज इज यू नो, ऐसा आईफोन एंड ऑन कौन खरीदेगा इतना महंगा प्रोडक्ट, उससे अच्छा. एंड सी दैट थिंग इज वेरी ऑब्वियस. वॉट ही वॉज सेइंग इज, अगर 1,00,000 रुपये का एक फ़ोन लूँ, उससे अच्छा 10,000 का एक फ़ोन लूँ एंड बाकी के 90,000 में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूँ. यू नो दिस इज टिपिकली हाउ अ शेयर होल्डर थिंग्स. ओके, बट देन वॉट हैपन्ड इज यू नो, फिर क्या हुआ, एप्पल यू ऑल नो इट्स अ वेरी प्रॉफिट मेकिंग फर्म. तो क्या किया उसने फिर, यू नो, फिर देन ही इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज मनी इन एप्पल. मतलब एक फनी थिंग थी. व्हाट ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू से हियर इज यू नो, उसके पास खुद एप्पल का फोन नहीं है, बट स्टिल व्हाट ही सेड इज यू नो, वो कंपनी का शेयर होल्डर है. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, यू नो सी, उसको अपनी ओरिजिनल मेंटालिटी चेंज करनी पड़ी. उसे ऐसा लगता था कि यू नो ये कंपनी में ग्रोथ नहीं है, लोग क्यों लेते हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ही himself agreed, you know, कि उसे टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ा. ओके, यस, दैट इज वॉट आई मेंट टू टेल यू. तो आई होप आप लोगों को समझा. वैल्यू सिस्टम ऑफ टॉप मैनेजमेंट, आप लोग वो प्लीज सब्जेक्टिव में लिखना. क्यों अब तुम लोग पूछोगे? बिकॉज इट कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते टाइम चेंज हो सकता है ऑलवेज. ओके, great. The next few points that are left out is, you know, okay. हाँ स्टूडेंट्स, ही आपके टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, यही पॉइंट्स लिखे कि जो ऐसे मैनेजर्स होते यू नो, जो कम रिस्क लेना चाहते वो लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते. जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लाइक यू नो एकदम ज़्यादा, दे कैन अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी. मैंने आपको कहा, समझाया था ग्रोथ स्ट्रैटेजी में, राइट, यू ग्रो, यू टेक रिस्क.
ओके वही लिखा है. ओके नाउ सी लास्ट टू पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, फटाफट मैं आपको करा देती हूँ. ओके ये कंपटीशन का पॉइंट था, इट केम अंडर एक्सटर्नल, ठीक है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, वो पॉइंट मैं नहीं पढ़ा. इंटरनल पॉलिटिक्स, ये स्टूडेंट्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नो इंटरनल पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो कि इंटरनली सी स्टूडेंट्स मेनी अ टाइम्स यू नो सी बिजनेस में भी यू कैन नॉट से अनलेस इट इज समथिंग लाइक रिलायंस की एक ही ओनर होगा. इनफैक्ट इन्फोसिस की बात करें थी, देर आर मेनी पीपल हु ओन द कंपनी. ओके तो किसी एक की नहीं चलती है. तो इंटरनल पॉलिटिक्स मीन्स वॉट बेसिकली, इफ यू नो देर इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसका ज्यादा कहा लोग मानते हैं, दिस ऑल्सो अफेक्ट स्ट्रैटेजिक चॉइस, राइट. सी फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखो, फॉर एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने ऐसा काफ़ी बार सुना है, ये जो शोज होते हैं ना, इंडियन आइडल एंड ऑल, ठीक है, तो उसमें यू नो नॉर्मली जो जजेस फेवर करते हैं वो विनर्स बन जाते हैं. आइडियली वोटिंग एंड ऑल दे आर जस्ट फूलिंग पीपल, दैट इज वॉट आई हैव हर्ड, ठीक है. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, कंपनीज में भी जो एक पर्सन है जिसका ज़्यादा चलता है, वो डिसीजन ही दे विल कंसिडर इट एट द एंड ऑफ द डे. ओके इंटरनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हर जगह होती है स्टूडेंट्स, ठीक है. टाइमिंग कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स मैं आपको मशीन्स की भी बात कर रही थी, यू नो तो आप खुद देखो, अगर मेरे पास टाइम कम है तो डेफिनेटली मैं अपग्रेड ही कराऊंगी, येस और नो. मतलब टाइम कम है मेरे पास, टाइम ज़्यादा है तो देन आई कैन थिंक ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू मशीन्स, राइट. तो टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सी स्टूडेंट अगर मैं आपको बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यू नो लेट्स टेक इट, आप लोगों को अगर एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू, तो आप ऐसे टाइम पे क्या सोचोगे कि मुझे ओला या कैब करनी चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली आप लोग करोगे, राइट. मतलब टाइम के हिसाब से भी आपकी चॉइस अफेक्ट होती है, राइट. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कल मैंने आप लोगों को जो ऑप्शन दिए उस ऑप्शन के, ठीक है, मतलब कई बार हमारे पास टाइम की कमी होती है तो इंफॉर्मेशन भी कम मिलेगी ऑब्वियसली, राइट. टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम फ्रेम. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडे सेशन. Anyone has any doubts, please ask me fast since time is over. This is your assignment question for today. What are the various factors affecting strategic choice? Explain along with examples. ठीक है. So students, now I will see you all tomorrow. आप लोगों को कुछ doubt and all है, please ask me tomorrow. ठीक है. Because I have a lecture in another.